हम भारतीय संविधान के दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए नए भारत के निर्माण का संकल्प है। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथिगणों को संबोधित करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, श्रीमान प्रहलाद जी और सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कुछ दिन और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो अतीत के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देते हैं, हमें बेहतर भविष्य में और उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज ये 26 नवंबर का दिवस ऐतिहासिक दिवस है। 70 साल पहले हमने विधिवत रूप से एक नए रंग रूप के साथ संविधान को अंगीकार किया था। लेकिन साथ साथ 26 नवंबर 10 भी पहुंचाता है, जब भारत की महान उच्च परंपराएं हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर के जीने वाली इस महान परंपरा, उसे आज ही के 26 नवंबर के दिन मुंबई में आतंकवादी मंसूबों ने छलनी करने का प्रयास किया था। मैं आज उन सभी हुतात्माओं को नमन करता हूं। 7 दशक पहले इसी सेंट्रल हॉल में कितनी ही पवित्र आवाजों की गूंज थी, संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा हुई, तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई, सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से ये सदन, ये जगह ज्ञान का महाकुंभ था और जहां पर भारत के हर कोने से सपनों को शब्दों में मढ़ने का एक भरपूर प्रयास हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य सुकलानी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सुचिता सुकलानी जी, हंसा मेहता, एलडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें इस महान विरासत हमारे हाथों में सुपुर्द किए। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूं और उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज अपनी बात की शुरुआत मैं आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के एक दिन पूर्व अपने आखिरी भाषण में जो बातें कही थी उसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब ने देश को याद दिलाया था कि भारत पहली बार
1947 में आजाद हुआ है या फिर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, ऐसा नहीं है। भारत पहले भी आजाद था और हमारे यहां अनेक रिपब्लिक भी थे और उन्होंने आगे भी दशा व्यक्त की, लेकिन अपनी ही गलतियों से हमने अतीत में आजादी भी खोई है और रिपब्लिक कैरेक्टर भी गवाया है। ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता शायद किसी को होती, क्योंकि भारत ने इतने वर्षों में न केवल उनके सवालों का उत्तर दिया है बल्कि अपने आजादी को, लोकतंत्र को और समृद्ध और सशक्त किया है। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को बीते 7 दशक में संविधान की भावना को अक्षुण्ण रखने वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी साथियों को गौरवपूर्ण स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। मैं विशेष तौर पर 130 करोड़ भारतवासियों के सामने नतमस्तक हूं जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के प्रति आस्था को कभी कम नहीं होने दिया, हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना, गाइडिंग लाइट माना। संविधान के 70 वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निष्कर्ष का मिला जुला भाव लेकर के आए। हर्ष ये है कि संविधान की भावना अटल और अड़ी नहीं है। अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी हैं तो देशवासियों ने मिलकर के उनको असफल किया है, संविधान पर आंच नहीं आ रही है। उत्कर्ष इस बात को हम जरूर रजिस्टर करते हैं कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार मिलजुल करके संविधान के दायरे में रहकर के किए हैं और निष्कर्ष ये हैं कि ये विशाल और विविध भरा भारत प्रगति के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ संविधान, संविधान की मर्यादा, संविधान की भावना, यही एकमात्र रास्ता है। एष पंथा। हमारा संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारी परंपरा, हमारा मान्यता, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, उन सब के साथ का समावेश है, साथ साथ अनेक चुनौतियों का समाधान भी है। हमारा संविधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है। आज इस अवसर पर जब हम कहेंगे तो मैं एक बात 2014 लाल किले के प्राचीर से जो मैंने कही थी उसको दोहराऊंगा। संविधान को अगर दो सरल शब्दों में कहना है, सरल भाषा में कहना है, तो कहूंगा
dignity for India and unity for India. इन्हीं दो मंत्रों को हमारे संविधान ने साकार किया है. नागरिक की डिग्निटी को सर्वोच्च रखा है और संपूर्ण भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा है. हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है. यह न केवल अधिकारों के प्रति सजग है बल्कि